दोस्तों आज हम निकल गए हैं रायपुर बंजारी माता धाम। बिलासपुर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर मुख्य मार्ग पर ही बंजारी माता का धाम है। रायपुर में प्रसिद्ध देवी मंदिरों में से एक है। यहाँ पर आपको प्रतिदिन मेले जैसा माहौल तो दिखेगा ही, और साथ में ही यहाँ पर जो मंदिर है बेहद पुराना है ऐसा बताया जाता है। यहाँ पर आपको राम दरबार का दर्शन हो। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस बार घर बैठे चलिए दर्शन करते हैं बंजारी माता का। क्या है नजारा, ऊपर में है हनुमान की राशि मूर्ति है। चलिए चलते हैं आगे, ये रेलिंग बना हुआ है। वाह मजा आ रहा है यहाँ घूम कर भाई, मुझे तो समय का। अब ये है और ये मेन मंदिर देखा बाहर निकलने का। दोस्तों मैं सी टूरिस्ट गाइड और आज मैं पहुंच गया हूँ रायपुर के बंजारी माता मंदिर। रायपुर के अनेक देवी देवताओं के मंदिरों में से एक है बंजारी माता का मंदिर, और लोग यहाँ आना बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं, और नवरात्रि पर तो यहाँ ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है। और ये मेन रोड पर ही है, तो अभी हम बंजारी माता मंदिर पर पहुँचे हैं, और आज मेरे साथ रमेश भी है साथ में। तो आज हम बंजारी माता मंदिर घूम रहे हैं। जैसे कि आपने ऊपर देखा विशाल शिव की प्रतिमा और हनुमान जी की, अब आपको और राधा कृष्ण के मंदिर देखा तो मनमोहक की। अब आपको लेके चलते हैं सीधे मुख्य मंदिर की तरफ। यहाँ पर जो है कई लोग श्रद्धालुगण मनोकामना के लिए नारियल बांधे हैं। मनोती स्थल एक प्रकार से इसको बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मन्नत के नारियल बंधाए हुए हैं। और जब नवरात्रि पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है, तो ये जो रेलिंग देख रहे हैं इसमें भक्तों की कतार लाइनें यहाँ पर लगी होती है, और अभी तो भीड़ कम है। तो एक नंदी महाराज है ऊपर में, ये पूरा प्रांगण है जो आप देख रहे हैं। दोस्तों कैसा रहा बंजारी माता का मंदिर रायपुर में, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए, और रायपुर में बंजारी माता मंदिर घूमने जरूर आइए। फिर मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवाहर जय छत्तीसगढ़।